एक पुलिस ऑफिसर को रात का कुछ याद नहीं रहता और रात में ही उसके लवर्स के मर्डर हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी ट्विस्टेड 2014 की एक थ्रिलर मिस्ट्री है। अभी मैंने जो स्टोरी लाइन बताई, ये मूवी उससे भी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल किलर कौन है ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं कमेंट्स को रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर को एक आदमी ने चाकू लगाया है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारा हार्ट महसूस कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि तुम प्यार में हो। ये कहकर उसे टच कर रहा था, तभी उसने रियलाइज किया कि जेसिका के पास एक गन है। जेसिका जल्दी से उसे पटकती है और सब सिचुएशन अपने कंट्रोल में ले लेती है। हमारी जेसिका एक पुलिस ऑफिसर है, उसने जल्दी से अपने बैकअप को बुला लिया। वो गुस्से में थी तो इस आदमी को सर पर लात मारती है। जिस केस में इस आदमी को उसने पकड़ा, ये बहुत ही बड़ा केस था, इसी वजह से आज उसे प्रमोशन मिल गया। ये एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर से एक होमिसाइड डिटेक्टिव बन चुकी है। एक बार में इसी की पार्टी अपने सब कलीग्स को दे रही थी। जेसिका के पुराने पार्टनर का नाम विल्सन था। विल्सन उसे कहता है, अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया, पर फिर भी तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो हमेशा मैं तुम्हारे लिए वहां रहूंगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। जाने के बाद उसे मिस करने वाला है। ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी जेसिका के पास हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है माइक, ये आकर ड्रिंक करता है। जेसिका उसमें इंटरेस्टेड थी, उसे बात करती है, पूछती है, तुम किस डिपार्टमेंट से हो। माइक इस पर उसे कुछ भी नहीं बोलता। माइक सीक्रेटिव है तो जेसिका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसी पार्टी में जेसिका का एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम है जिमी, ये भी आया हुआ था। उसे लगता है कि कमिश्नर जेसिका के गार्डियन थे तो इसी वजह से उसे प्रमोशन मिला। कमिश्नर भी इस पार्टी में आ चुके थे और ये बात उन्होंने सुन ली। वो जिमी के पास आए, उन्होंने कहा, तुम्हारे पीछे एक आदमी बैठा है, मुझे उसका डिस्क्रिप्शन दो। अगर एक अच्छा डिटेक्टिव बनना है तो आसपास की पूरी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। जिमी कुछ भी बता नहीं पाता। फिर कमिश्नर जेसिका से पूछते, जेसिका को उस आदमी का हाइट, वेट, इन सब के बारे में आइडिया था। उसे ये तक पता था कि आदमी कैश देकर ड्रिंक पी रहा है। जेसिका एक बहुत ही सिंसियर और क्रेडिबल डिटेक्टिव है। हमारे कमिश्नर का नाम है जॉन। जॉन जेसिका से कहते हैं, मेरे ऑफिस में चलो। आज जॉन जेसिका से बहुत ही गुस्सा है। कहते हैं, आज तुमने बहुत गलती की थी, सस्पेक्ट के साथ तुम अकेली गई थी, तुम्हें इसके लिए जॉब से निकाल देना चाहिए था, पर अब तुम्हें प्रमोशन मिला है तो अपना जॉब सिंसियरली करना चाहिए। जेसिका जब छोटी थी तभी उसके मदर और फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद जॉन ने उसे बड़ा किया। वो अब डायरेक्टर बन चुकी है तो आज वो बहुत प्राउड थे। इसके बाद जेसिका बार में एक रैंडम आदमी के साथ मिलती है, उसी के साथ इंटीमेट हो जाती है। घर आने के बाद उसने फादर की डेथ की फाइल्स देखी। यहाँ समय पता चलता है उसके फादर ने सुसाइड की थी। ये देखकर बहुत ही सैड थी। इसके बाद नेक्स्ट डे जेसिका को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा। उसका प्रमोशन हो चुका है तो उसे मैंडेटरी अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो कहती है कि मैं परफेक्टली फाइन हूँ। उसे अगर कोई स्ट्रेस आता है तो निकालने के लिए उसने सेल्फ प्रोटेक्शन का क्लास ज्वाइन किया है। जब जेसिका फर्स्ट टाइम अपने ऑफिस में आई तो सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो सरप्राइज थी कि जिसने बार में उससे बात नहीं की थी वही माइक उसका पार्टनर है। ऑफिस में उसका कलीग डेल ये उससे बात करता है और कहता है, जिसको तुमने पकड़ा एक बड़े केस का सस्पेक्ट था, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। जेसिका ने अपना जॉब शुरू भी नहीं किया तब तक उसका एनिमी बन गया। जिस कल्प्रिट को जेसिका ने मुंह पर मारा था उसने अपना लॉयर अब बुलाया हुआ है। उसे कहता है, जो उसने किया वो बहुत गलत किया, मुझे धोखे से वहां वो लेकर गई थी, मुझ पर हमला किया। इस कल्प्रिट का लॉयर एक बहुत बड़ा लॉयर है, इसका नाम है रे। रे कहता है कि उसने जो किया इसके लिए उसे भुगतना पड़ेगा। मीटिंग के बाद रे जेसिका और माइक से मिलता है। माइक कहता है, तुम उसे रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो, तुम तो हमेशा जस्टिस को लेकर बहुत ही सिंसियर थे। रे कहता है, उसके फादर बहुत इन्फ्लुएंशियल है और मेरे साथ गोल्फ खेलते हैं, तो उन्हें मैं हेल्प कर रहा हूँ। माइक के यहाँ से जाने के बाद वो जेसिका से बात करता है। यहाँ पता चला इन दोनों में रिलेशनशिप हुआ करती थी। रे ने जेसिका को संडे पर अपने घर पर बुलाया, इस केस को डिस्कस करने वाला है। जेसिका ने उसे मारा था ये प्रॉब्लम ना हो जाए तो जॉन से ओपिनियन मांगने के लिए वो आई हुई थी। जॉन कहते हैं, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तुमने जो स्टोरी बताई है कि वो तुम पर अटैक कर रहा था, सिर्फ यही स्टोरी कोर्ट में बता देना। नेक्स्ट सीन में वो फिर से साइकोलॉजिस्ट के पास थे। साइकोलॉजिस्ट कहता है, तुम्हारे मदर और फादर के बारे में हम बात करते हैं। वो कहते कि उनके बारे में क्यों बात करनी है। साइकोलॉजिस्ट कहता है, तुम्हारे एंगर इश्यूज शायद उस वजह से है। जेसिका कहती है, मुझे कोई भी एंगर इश्यूज नहीं है। ये बताते बताते बहुत ही गुस्सा हो गई थी। आज रात घर आने के बाद भी वो फिर से अपने फादर के क्राइम सीन के फोटोज देखती है।
ये देखते वो को ड्रिंक कर कर रो रही थी। वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती है। थोड़ी देर में उसे माइक का कॉल आया। उन्हें सीशोर के पास एक डेड बॉडी मिली है। उन्होंने डिस्कस कर कर डिसाइड किया कि उन्हें इस सीशोर का पूरा राउंड लगाना चाहिए। डेड बॉडी के हाथ पर एक सिगरेट का बर्न नोटिस करते हैं। इस बॉडी के चेहरे को जेसिका ने जब सही से देखा तब रियलाइज किया जिस स्ट्रेंजर के साथ वो इंटीमेट हुई थी ये उसी की डेड बॉडी है। इसके बारे में वो अपने पार्टनर को बता देती है। ये उसे कैसे जानती थी? जब ये उसके कलीग को पता चला तो उसे जज करते है। इस पर वो गुस्सा थी। अगले दिन माइक और जेसिका पूरे शोर के चक्कर लगा रहे थे। माइक उसे कहता है यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पर आप कुछ ना कुछ तो हाइड कर सकते हो। माइक एक्चुअली इसी शोर के पास रहता है तो उसे सब कुछ पता था। माइक ने डेड बॉडी पर सैंड देखी थी तो किनारे पर आया। माइक को लगा कि शायद यहाँ पर मर्डर हुआ होगा। जेसिका को याद आया कि उस रात वो और वो स्ट्रेंजर ये दोनों यहाँ भी इंटीमेट हुए थे। अगले दिन इस केस पर ऑफिस में डिस्कशन चल रहा था। जेसिका को लगा कि एक सीरियल किलर का काम है। इस पर सब लोग बहुत हंसते हैं। कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। रात में माइक और जेसिका बार में आए हुए थे। यहाँ पर जेसिका का एक्स बॉयफ्रेंड जिमी उसे स्टॉक कर रहा था। जेसिका के कहने पर माइक उसे दूर रहने की धमकी देता है। बार में ड्रिंक करने के बावजूद जेसिका घर आकर फिर से ड्रिंक करती है। वो पास आउट हो चुकी थी। सुबह उसे माइक का कॉल आया और उन्हें और एक डेड बॉडी मिली है। इस तरीके से लास्ट डेड बॉडी थी। उसी टाइप का सिगरेट बर्न इस विक्टिम के हाथ पर भी है। इससे कन्फर्म हो गया कि एक सीरियल किलर का काम है। जेसिका के बॉस कहते हैं तुम्हारा अंदाजा सही था, तुम अच्छा काम कर रही हो। पर जेसिका टेंशन में थी। इस विक्टिम के साथ भी वो इंटीमेट हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फॉरेंसिक्स की लेडी इस लाश को देख रही थी। लाश के ईयर पर उसे एक अलग आदमी का ब्लड मिला और शायद किलर पकड़ा जा सकता है। इस ब्लड को एनालाइज कर इसका रिजल्ट आने में जरा टाइम लगेगा। अगले दिन साइकोलॉजिस्ट के पास जेसिका बहुत ही टेंशन में थी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं तुम्हें अपने मदर और फादर की फीलिंग्स को कन्फ्रंट करना चाहिए। जेसिका कहती है वैसा कुछ भी नहीं है। उसने बता दिया कि जिनकी भी किलिंग्स हो रही है उनके सबके साथ में सोई हुई हो। ये बात उसने अपने पार्टनर को भी बताई नहीं। साइकोलॉजिस्ट ने कहा तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए, शायद तुम डेंजर में हो सकती हो। मिशन के बाद जेसिका जब पार्किंग लॉट में थी तो उससे उसकी गाड़ी की कीज नीचे गिर गई। उसके पीछे कोई आया जिससे वो बहुत डर गई थी। ये साइकोलॉजिस्ट ही थे। वो आज रात जॉन से मिलने के लिए आई। कहती कि मेरे फादर में कोई भी साइंस नहीं थे कि वो सुसाइड करेंगे। ऐसे अचानक वो सुसाइड कैसे कर सकते हैं? जॉन कहता है तुम्हारी मदर से बहुत प्यार करते थे, उसके जाने के बाद वो बहुत ही गम में थे इसीलिए उन्होंने सुसाइड की थी। तुम इन बातों पर ज्यादा सोचो मत, अपने जॉब पर कॉन्सेंट्रेट करो। अगले दिन सब डिरेक्टिव मिलकर केस पर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर जेसिका का कलीग जिसका नाम है डेल इस सबसे बात करता है। कहता है हमें तो जेसिका पर शक करना चाहिए। वो फर्स्ट विक्टिम के साथ सोई हुई थी, शायद सेकंड के साथ भी सोई हुई है। वो मजाक कर रहा था पर जेसिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो जोर से उसकी कमर पर लात मारती है। माइक उसे शांत कर एक जगह पर लेकर आता है। जेसिका कहती है कि वो जो बोल रहा था ये सच है। माइक इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। कहता है मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम्हें मुझे सब कुछ चीजें बतानी चाहिए। ये बात उन्होंने उनके बॉस से कही और कमिश्नर के पास आकर ही डिस्कस करते हैं। कमिश्नर जॉन ने कहा कि हमें जेसिका को केस पर रखना कंटिन्यू करना चाहिए। ये सब मर्डर की लिंक उससे ही है। जेसिका की वजह से हमें अच्छे क्ल्यू मिल सकते हैं। जॉन को पता था कि जेसिका ने अपने कलीग को मारा, इससे वो बहुत ही गुस्सा था। उसे वो बहुत डांटता है। जेसिका कहती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। जॉन कहता है तुम्हारे आसपास के लोग मरते क्यों रहते हैं? इसके बाद जेसिका और माइक जो भी विक्टिम्स थे इनका बैकग्राउंड चेक कर रहे थे। बस विक्टिम जिस बार में जाता था उस बार में हो गए। वहां का बारटेंडर कहता है लास्ट टाइम उसने जेसिका के साथ ही देखा था। ये उसके घर पर आए जहाँ पर विक्टिम की लैंडलेडी कहती है कि जब लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था वो तुम्हारे साथ ही था। इनके सारे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। रात में जब जेसिका घर पर आई तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिमी ऑलरेडी उसके घर में बैठा हुआ था। उसके पास आकर उसे किस करने लगता है, उसे मिस करता है तो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। जेसिका उसे मना कर रही थी पर वो मानता नहीं। जेसिका के पास एक छोटा सा वुडन वेपन है जिससे उसे इंजोर कर देती है। जिमी इसे बहुत गुस्सा हो गया, उसे साइकोपैथ बुलाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वो एक कल्प्रिट से मिलने के लिए आए। ये वही है जिसे हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था। वो जेसिका से कहता है तुम में और मुझ में ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है, तुम्हें भी कभी कभी लगता है किसी का मर्डर करना चाहिए। जेसिका फिर से अपने ऑफिस में जब काम कर रही थी तो उसका कलीग डेल उसके पास आकर उसे चिढ़ाता है। उसने उसे हाथ लगाया, कहा कि अब तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे मारना चाहिए। जेसिका उसे मारना तो चाहती थी पर कंट्रोल कर लिया।
उसे लगा कि डेल को इस केस के बारे में इतना पता है तो माइक ने उसे बताया होगा। वो माइक पर गुस्सा होकर उसके घर पर आती है। उसने उसे कन्फ्रंट किया। माइक कहता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, इस तरह की चीज़ें मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। जेसिका शांत हुई। इस केस पर वो डिस्कस कर रहे थे। माइक उसके लिए डिनर बनाता है। कहता है, जिस तरीके से तुम फूड एंजॉय करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, किस करने लग गए। जेसिका को लगा कि ये गलत है और उसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया। घर आने के बाद जेसिका को फूल मिले थे। ये उसी लॉयर के हैं जिससे वो कल मिलने वाली है। आज रात भी ड्रंक होकर वो बेहोश हो गई थी। सुबह जब वो लॉयर के पास गए तो डायरेक्टली लॉयर की बॉडी ही उसे मिली। सब पुलिस वगैरह को बुलाने के बाद जेसिका से क्वेश्चन किए जाते हैं। जेसिका का बॉस जॉन से कहता है कि उसे इस केस से निकाल देना चाहिए, शायद वो मर्डरर हो सकती है। जॉन कहता है, उसके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, ये उसका फर्स्ट होमिसाइड केस है, अगर उसे निकाल दिया गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। जेसिका जब अपने साइकोलॉजिस्ट के पास आई तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है। उसे पता नहीं क्या उसने सचमुच में मर्डर किए भी है या नहीं। जेसिका हर रात ड्रंक हो जाती है तो रात में क्या होता है उसे पता नहीं होता। उसे लगता है कि वायलेंट है, किसी की जान वो ले सकती है, तो यही कंफर्म करने के लिए उसने अपना ब्लड लैब में दिया। उसने मर्डरर के ब्लड से इसे मैच करने के लिए कहा। हमेशा जेसिका को अब लग रहा है कि उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है, ये किसी को भी नोटिस नहीं कर पाती। रात में उसके घर पर नौक आए तो डर चुकी थी। उसने ओपन किया तो ये माइक ही था। माइक उसे कहता है, मुझे भी लगता है मेरा कोई पीछा कर रहा है। जेसिका बहुत ही डर चुकी थी, उसने माइक पर गन लगाई। माइक उससे गन ले लेता है और उससे कहता है कि शांत हो जाओ। उसने उसे किस कर लिया। जेसिका डर रही थी। उसने कहा, जिसे भी मैं किस करती हूँ उसका मर्डर हो जाता है। माइक कहता है कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा। उसने जेसिका को सुला दिया और यही पर वो रात भर सिगरेट पी रहा था। अगले दिन जॉन जेसिका को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जेसिका के पीछे एक बोर्ड था। उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ क्या है। इस बार जेसिका सही से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे, वो डिस्टर्ब थी तो रोने लग गई। जॉन उसे सहारा देते हैं। कहते हैं, तुम्हें अपना जॉब सही से करना है, इस तरीके से डरो मत। जेसिका जब घर पर आई तो जिमी फिर से उसके घर में था, फिर से उसे जबरदस्ती करने लग गया। इस बार वो मानने वाला नहीं था तो जेसिका ने अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लिया। वो कांच फोड़कर अंदर आ जाता है। ये सीन यही खत्म हुआ। सुबह जेसिका को जब होश आया तो उसने देखा जिमी की डेड बॉडी उसके पास पड़ी हुई है। वो बहुत डर गई। उससे फिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसे इस बार पूछा जाता है कि मर्डर तुमने किए थे। वो डिस्टर्ब होके रोने लगती है, कहती कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब उसे जेल में डाल दिया गया। उसका साइकोलॉजिस्ट उससे बात करने के लिए आया हुआ था, तभी जॉन वहां पर पहुंचा। जॉन जेसिका से कहता है, कल रात तुम्हारे ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, इसी वजह से तुम अनकॉन्शियस थे, तुम कोई भी मर्डर नहीं कर सकते। इसी रीजन की वजह से जेसिका को बेल भी मिल गई। इसके बाद जॉन और जेसिका डिस्कस करते हैं। जॉन कहता है, कोई ऐसा है जिसे तुम्हारा सब कुछ रूटीन पता है, तुम्हारे घर का उसे एक्सेस है। जेसिका के माइंड में एक ही आदमी आया, उसका पार्टनर माइक। माइक को लेकर वो सस्पिशियस थी ही और वो सिगरेट भी पीता है। जिस रात जेसिका माइक से मिली थी उसके बाद ही उसके आसपास मर्डर होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये दोनों मिलकर माइक को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। जेसिका माइक से कहती है, तुम मुझे मिलने के लिए आए क्यों नहीं थे। माइक ने कहा कि मुझे मना किया गया था। जेसिका इस पर बिलीव नहीं करती। जॉन माइक के घर में कुछ वाइन देखता है। माइक ने ड्रिंक किया। जॉन कहता है, तुम हमेशा जेसिका के ड्रिंक में कुछ ना कुछ तो मिलाया करते थे। जॉन ने माइक के ड्रॉअर्स चेक किए तो उसमें एक ड्रग था। माइक कहता है कि मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। जिस छोटे से लकड़ी के वेपन से मर्डर हुआ था, ये मर्डर वेपन भी माइक के पास मिला। माइक इस सब पर बिलीव नहीं करता। एक्चुअल में जॉन ने माइक के ड्रिंक में भी ड्रग मिला दिया था तो अनकॉन्शियस हो गया। जॉन जेसिका से कहता है, हमें अब इसे सजा देनी चाहिए, ये केस कोर्ट में जाएगा, इसे बेल मिलेगी। इन सब चीजों पर वो बिलीव नहीं करता। जॉन और जेसिका एक घर में थे, इन सब का सबूत वो मिटाने लग जाता है। वो माइक के मर्डर को एज अ सुसाइड दिखाने वाला था। वो माइक के पास जेसिका का फोटो रख देता है। कहता है, सबको लगेगा तुमने उसे रिजेक्ट किया, इसलिए उसे खुदकुशी कर ली। जॉन ने सब क्राइम सीन सेटअप किया तो जेसिका रियलाइज करती है इसी तरीके का क्राइम सीन उसके फादर के सुसाइड में भी था, यानी कि जॉन ने उसके फादर को भी मार डाला था। जेसिका ने अपनी गन निकाली, उसे अरेस्ट करने वाली थी। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो समझ नहीं रही थी। वो कहता है, तुम में भी तुम्हारे फादर की तरह ही गुस्सा है, मैंने उसे बताया था कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है,
पर वो माना नहीं। उन दोनों में झगड़ा हुआ और जेसिका के फादर बहुत ही डिस्टर्ब थे, इसी वजह से जॉन ने जेसिका के फादर को मार डाला था। यही जब वे बात कर रहे थे तो माइक को होश आया और जल्दी से यहाँ से वो भाग जाता है। जॉन जोर से जेसिका को स्लाइप कर माइक के पीछे पीछे आया। माइक अपने घर के नीचे छुप गया था और फाइनली जॉन ने उसे ढूंढ लिया। जिस तरीके से सीरियल किलर अपने हर विक्टिम को बर्न देता है, उसी तरीके से जॉन ने माइक के हाथ पर सिगरेट बर्न दिया। जेसिका वहां पहुंची, उसने ये सब देख लिया। वो कहती है, तुम ही मर्डरर हो, तुमने ये सब किया क्यों? जॉन कहता है, तुम्हारी मदर को एक बीमारी थी, वो कभी भी उसके हस्बैंड से फेथफुल नहीं थी। मैं उससे प्यार करता था पर वो मानी नहीं, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तुम्हें भी वही बीमारी है, तुम किसी के साथ भी इंटीमेट होती रहती हो। मैंने हर एक को मारकर ये क्योर करना चाहा। जॉन कहता है, तुम अभी भी कुछ नहीं कर सकती, अगर तुमने मुझे मार डाला तुम पर ही सब शक आएगा। जेसिका स्मार्ट है, उसने पहले ही अपने ओल्ड फ्रेंड को कॉल कर दिया था। जॉन का कन्फेशन उसने सुन लिया और सारे पुलिस को लेकर वो यहाँ आ रहे थे। जॉन जेसिका से कहता है, मैं तुम्हें और एक लास्ट बात सिखाना चाहता हूँ, आप जो भी करते हो कभी भी उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जॉन अब माइक को मारने वाला था तो जेसिका उसे शूट कर देती है। जॉन ने जानबूझकर प्रिटेंड किया कि वो माइक को मार रहा है, वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था, पकड़े जाने से तो अच्छा मर जाना था। ये सब पुलिस ने देख लिया था तो जेसिका को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो माइक के पास आई, उसे सॉरी कहा, माइक भी उसे माफ कर देता है। इसी मोमेंट पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मर्डर मिस्ट्री पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।